दोस्तों नमस्कार, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो वैकेंसी है BHEL ट्रिची से रिलेटेड है, जिसमें कि 400 ट्रेड अप्रेंटिस के लिए पोस्ट जो है के लिए आवेदन मांगा हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करके हर अपडेट का फ़ायदा उठाएँ। जो पोस्ट है दोस्तों, टोटल जो है 400 है और इसमें जो स्टार्टिंग डेट है अप्लीकेशन फिलअप करने की 16 मार्च 2019 है और लास्ट डेट जो है 30 मार्च 2019 है। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट का लिस्ट जो है 3 अप्रैल 2019 को निकलेगा और एक्सपेक्टेड सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन का जो पीरियड डेट होगा वो 4 अप्रैल 2019 है। टेंटेटिव ज्वाइनिंग डेट जो है 11 अप्रैल 2019 होगी। एज की लिमिट की जहाँ तक बात है दोस्तों, मैक्सिमम जो है 27 साल और मिनिमम जो है 18 साल है। क्वालिफिकेशन के हिसाब से आगे हम देखेंगे इसमें, इसके नोटिफिकेशन में जाके वैसे देखना है तो कैंडिडेट शुड पास 10th क्लास अंडर 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन विथ साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड ITI। अलग अलग ट्रेड में अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, इसके जो है नोटिफिकेशन में देखेंगे। टोटल जो पोस्ट हैं वो 400 हैं, जिसमें फिटर 150 है, वेल्डर 110 है, टर्नर जो है 11 है, मैकेनिस्ट जो है 16 पद है, इलेक्ट्रिशियन जो है 35 पद है, वायरमैन जो है 7 पद हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो है 7 पद हैं, इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक 7 पद हैं, एसी एंड रेफ्रिजरेटर जो 10 पद हैं, डीजल मैकेनिक जो है 7 पद हैं, स्टील मटेरियल वर्कर्स 5 पद हैं, प्रोग्राम एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट 20 पद हैं, कारपेंटर जो है 4 पद है, प्लम्बर जो है 4 पद है, MLT पैथोलॉजी जो है 2 पद है, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज जो है 5 पद हैं। और जो इसका नोटिफिकेशन है वो मैंने खोल के रखा है, उसको एक बार देखते हैं। नोटिफिकेशन दोस्तों खुल गया है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से ये त्रिची से लेटर आवेदन आया हुआ है। इसमें ट्रेड और उनकी वैकेंसी, तनख्वाह और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो लिखा हुआ है। आप एक बार उसको पढ़ सकते हो डीपली, फिर भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। फिटर जो है उसकी जो तनख्वाह है 11,129 रुपये है, 150 पोस्ट हैं और 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए अंडर 10+2 सिस्टम में, जिसमें साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए, 2 साल का ITI डिप्लोमा होना चाहिए आपके, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। वेल्डर जो है उसकी जो तनख्वाह है 9,892 रुपये है, 110 पोस्ट है, 10th एग्जामिनेशन के साथ साथ 10+2 सिस्टम में आपके पास 1 साल का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। टर्नर जो है उसकी तनख्वाह 11,129 रुपये है, उनकी 11 पोस्ट हैं, इसमें भी 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए और 10+2 अंडर सिस्टम में साइंस और मैथ्स के साथ जो है 2 साल का ITI डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिस्ट में जो है जो तनख्वाह 11,129 रुपये है, 16 पोस्ट हैं, इसमें भी 10 पास होना चाहिए, जिसमें कि 10+2 अंडर सिस्टम में साइंस और मैथ्स के साथ साथ 2 साल का ITI डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन की जहाँ तक बात है 11,129 रुपये तनख्वाह है, 35 पोस्ट है और 10th पास के साथ साथ अंडर 10+2 सिस्टम में साइंस और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में 2 साल का ITI डिप्लोमा होना चाहिए। वायरमैन की जहाँ तक बात है दोस्तों 11,129 रुपये तनख्वाह है, 7 पोस्ट हैं, 8th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, साथ में 10+2 सिस्टम में जो है 2 साल का ITI डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए भी जो तनख्वाह है 11,129 रुपये है और 7 पोस्ट है इसके, इसके लिए भी 10th पास होना चाहिए, साथ में 10+2 सिस्टम में साइंस और मैथ्स ज़रूरी है, 2 साल का ITI डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक में जो है जो जिसकी तनख्वाह जो है 11,129 रुपये है, टोटल 7 पोस्ट हैं, इसको भी 10th पास के साथ साथ अंडर 10+2 सिस्टम में साइंस और मैथ्स होना ज़रूरी है, साथ में 2 साल का ITI डिप्लोमा ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एसी एंड रेफ्रिजरेटर में जो तनख्वाह है 11,129 रुपये है, 10 पोस्ट हैं, इसका भी सेम क्वालिफिकेशन है, आप लोग एक बार देख सकते हो इसको क्वालिफिकेशन को। और दोस्तों लास्ट में जो एक अलग सी पोस्ट है असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, उसके लिए जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, BA होनी चाहिए या फिर
बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए होना चाहिए, जो कि रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई भी जो भारत सरकार की जो भी संस्था है, जो प्रमाणित संस्था है, वैध संस्था है, वहाँ से होना चाहिए आपके पास। और दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर विद RDAT इज़ कंपल्सरी टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर ऑल द अबव ट्रेड्स। इसके बारे में आपको RDAT का नंबर होना चाहिए। जो रिलैक्सेशन है दोस्तों, वो ट्रेड के हिसाब से आप सॉरी आपके जो है जो कोटा है उसके हिसाब से मिलेगा। कैंडिडेट को अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई करने की जो लिंक दी है उन्होंने वो दी है। यहाँ पे लिखा हुआ है इस लिंक को जो है bhel.try.co.in पे जो है आपको आवेदन करना चाहिए। एक और बात लिखिए, आउट ऑफ द अबव ट्रेनिंग वैकेंसीज 19%, 1%, 27% एंड 4% आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रिबल्स, अदर बैकवर्ड कास्ट एंड PWD कैंडिडेट्स रिस्पेक्टफुली। और जो डेट है उसको आपको याद रखना है दोस्तों, 16 मार्च 2019 से शुरू हो चुके हैं ये, और जो है 30 मार्च 2019 तक लास्ट डेट है इसकी एप्लीकेशन अप्लाई करने की। और भी जो डेट है वो आप देख सकते हो, इसको एक बार आपको पढ़ना है तो इसको पढ़ सकते हो। जो भी आपको सूट करता है, जो आपका क्वालिफिकेशन है, वो जिस हिसाब से जिस ट्रेड में जो भी क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, जो डिग्री या जो सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, वो आप लोग देख सकते हो एक बार। दोस्तों, आप सबों से एक बार और विनती है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर प्रेस करके हर अपडेट का फ़ायदा उठाएं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।